बिहार जितना आंकड़ों में सरकारी रिपोर्टों में जितना गरीब बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब है। तो आज से 6 महीने पहले नीतीश और मोदी के ऊपर हमला करते थे, आजकल तेजस्वी के ऊपर ज्यादा बयान आ रहा है। क्या है, नीतीश कुमार का कुछ बचा ही नहीं, क्या बोले? समाज को सबसे ज्यादा ठगने वाले, बिहार को बर्बाद करने में सबसे पहला नंबर तो आरजेडी के ही लोग हैं। विधानसभा में खड़ा होकर हमारे बाप दादा का है छोड़ देंगे, कोई राजतंत्र है? तुम्हारे बाप दादा का था, तुम्हारा रहेगा, उसके बाद तुम्हारे बेटे का रहेगा। जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने पिछले 2 सालों में बिहार की पगडंडियां और गांव के रास्ते, टेढ़े मेढ़े रास्तों को नापा है और ये भी देखा कि बिहार में राजनीतिक तापमान क्या है। कुछ महीनों के बाद वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी भी फॉर्म करने जा रहे हैं। हमारे साथ प्रशांत किशोर जी मौजूद हैं, इनका हम स्वागत करते हैं निजोटी नेटवर्क में। अभी तक की जो यात्रा रही है काफी कठिन रही है, जाहिर है, क्योंकि पगडंडियों से होकर आपने, रास्तों से होकर आपने चला है, राजमार्गों से आप नहीं चले हैं, काफी सारा एक्सपीरियंस भी आपका हुआ होगा, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा। तो मुझे, मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा उन एक्सपीरियंस को बताएं लोगों को कि तजुर्बा कैसा रहा ग्रामीण स्तर पर। तजुर्बा ये रहा कि बिहार जितना आंकड़ों में सरकारी रिपोर्टों में जितना गरीब बदहाल दिखता है, जमीन पर उससे बहुत ज्यादा स्थिति उसकी खराब है। मैं खुद बिहार में ही पला बढ़ा हूँ, सरकारी विद्यालय में बिहार में पढ़ा हूँ, नौकरी जब मिली तो यहाँ मैंने पोलियो प्रोग्राम चलाया है, तो गांव देहात बिहार के भौगोलिक परिस्थितियों की, यहाँ के लोगों की स्थितियों की जानकारी मुझे रही है। राजनीति से भी यहाँ 2-3 साल एक्टिव रहे हैं, चुनाव लड़ाए हैं, लेकिन मेरे लिए खुद भी जब मैं अभी करीब 5,200-5,300 गांव में गया हूँ, रहा हूँ 2 साल तक, आपने कहा कि बड़ी तकलीफ हुई होगी, तकलीफ जो शारीरिक है वो तो बहुत एक तरीके से साइड स्टोरी है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप गांव की जो गरीबी मैंने देखी है वो भयावह है, वो मुझे खुद कभी इसका अंदाजा नहीं था। जब हम लोग गांव में चलते हैं शायद ही कोई ऐसा गांव है जहां पर 40-50% युवा पलायन करके बाहर नहीं गया, चाहे वो पढ़ाई के लिए गया हो, मजदूरी के लिए गया हो। जमीन पर ये दिखता, आप आंकड़ों में पढ़ते हैं कि बिहार देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर वृद्धावस्था पेंशन 400 रुपया है। जमीन पर यह दिखता है कि लोग 400 रुपया में अपना जीवन चला कैसे रहे, इस महंगाई के जमाने में 400 रुपया, और उसके लिए लोग महीनों इंतजार करते हैं, 2-3 महीने, और उसमें भी 20 रुपये घूस देते हैं तब उनको 380 रुपये मिलता है, जिसका कोई अंदाजा नहीं है। बिहार में प्रति व्यक्ति आए हैं 32,000 रुपये, देश में प्रति व्यक्ति आए हैं 1,35,000, लेकिन अगर उसमें से आप पटना और बेगूसराय 2 जिला हटा दीजिए तो बिहार में प्रति व्यक्ति आय हो गई 24,000। वो 24,000 में सारे लोग शामिल हैं, ऐसे वाले, गरीब अमीर सब, समझिए कि जो गरीब है। और 22,000 रुपये साल का मतलब क्या हुआ कि मतलब आप दिन में 60-70 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। बिहार में 80% लोग, 100 में 80% लोग दिन में 100 रुपया भी नहीं कमा रहे हैं। ये भयावह स्थिति मैंने जमीन पर देखी है, और मुझे इसका अंदाजा नहीं था। मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मैं, लोग कहते हैं मुझे डेटा की समझ है, आंकड़ों को हम लोग समझते हैं, यहाँ मैंने यूएन में काम किया है, पॉलिटिक्स में काम किया है, यही पले बड़े हैं, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि इस तरह की भयावह स्थिति नीचे है। माइग्रेशन की स्थिति को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, खास करके जब आप कह रहे हैं कि 15,000-10,000 हम यहाँ बिल्कुल ये सैलरी नहीं दे देंगे, उसका मूल दे देंगे। मैं बता रहा हूँ, रोजगार के लिए 2 चीजों की जरूरत है, स्किल और पूंजी। मुख्यमंत्री के चेयरमैनशिप में एक कमिटी है, हर राज्य में होती है, देश के स्तर में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में है, जो ये देखती है कि इन, ये पूंजी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये क्लॉग न हो। मुख्यमंत्री के नेतृत्व में बिहार में भी ये है, लेकिन जैसे यहाँ का सीओ, बीडीओ, शिक्षक, डॉक्टर, दरोगा मुख्यमंत्री की बात नहीं मान रहा है, वैसे बैंकर्स भी बात नहीं मान रहे हैं। तो जो दुनिया भर के विशेषज्ञ हैं इन मामलों के, वो बता रहे हैं कि अगर बिहार में सीडी रेशियो को ठीक कर दिया जाए तो 2-2.25 लाख करोड़ रुपया बजट के अलावा, 2-2.25 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा पैसा बिहार में इन्वेस्ट होने लगेगा। तो आप जरा अंदाजा लगाइए कि कितने ज्यादा लोग रोजगार कर पाएंगे, कितने ज्यादा घर बनेंगे, कितनी ज्यादा गाड़ियां खरीदी जाएंगी। तो एक जो बड़ा
रोजगार क्रिएट करने का है कि 15 से 55 साल के लोगों को पूंजी, सुलभ पूंजी उपलब्ध कराया जाए। एक और एकमात्र वही तरीका है यहां से पलायन रोकने का। एक लाइन में, पूंजी के पलायन को रोककर श्रम का पलायन रोका जा सकता है। 40 सालों से दो जो समाजवादी नेता है, नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव का रूल रहा है कमोबेश, लेकिन जो फैक्ट्री लगनी चाहिए, आप भी कहते हैं कि जो चीनी के मिल है लगभग सारे के सारे बंद पड़े हुए हैं, कोई प्रयास नहीं हो रहा है। बहुत सारी फैक्ट्रीज हैं बिहार में जो पहले चलती थी 70-80-90 के दशक में, सारी बंद की बंद पड़ी हैं। क्या ऐसी वजह रही कि उसको शुरू कराने का प्रयास नहीं किया गया? इच्छा शक्ति नहीं है या पूंजी नहीं है? नहीं, पहले बात तो मैं फैक्ट्रियों पे इतना जोर देता नहीं हूं। मैं उस विचारधारा का चीनी मिल की बात वो मैंने अभी कही है, एक परिपेक्ष में कही है कि नीतीश कुमार ने जो समर्थन दिया है भाजपा को, तो उनको मिनिस्ट्री और अपने लिए मुख्यमंत्रीशिप के बजाय ये मांगना चाहिए था कि बिहार में कम से कम बड़े 4-5-10-20 उद्योग लगे, चीनी मिल चालू हो। इस संदर्भ में कहा, मैं व्यक्तिगत तौर पर फैक्ट्री लगाकर बिहार का विकास होगा ऐसा मैं मानता नहीं, क्योंकि दुनिया में जो अग्रणी देश है वो फैक्ट्रियों से आगे नहीं बढ़े। आप दुनिया में सबसे धनी और खुशी कितनी आबादी, मैं आपको बता रहा हूं, आपको बता रहा हूं, दुनिया में जो सबसे धनी देश है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज, आप फिनलैंड चलिए, डेनमार्क चलिए, नॉर्वे चलिए, उन जगहों पर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां नहीं है, लोगों के पास स्वरोजगार है, जिसको आप यहां हम लोग मध्यम कुटीर छोटे उद्योग कहते हैं। घर घर में कुछ करने की सुविधा, पर्यटन है, सर्विस सेक्टर है, रेस्टोरेंट, अगर आप रेस्टोरेंट चलाते हैं, रेस्टोरेंट फैक्ट्री नहीं है, लेकिन रेस्टोरेंट में आप 20 लोगों को नौकरी दिए हुए हैं। इस चीज का रियलाइजेशन आपको बिहार में घूमने के बाद नहीं, पहले से पहले से, ये मेरी सोच पहले से है। आप तो गांधीवादी मॉडल नहीं, नहीं, गांधीवादी मॉडल है, और जो केनिज्म है वर्ल्ड का, जिसको अमेरिकन इकोनॉमी आप समझते हैं, अमेरिका की जो इकोनॉमी है वो करीब करीब 65% सर्विस का कंट्रीब्यूशन, सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में। देश की जो भारत की इकोनॉमी है उसमें भी 60-65% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, फैक्ट्रियों का नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग का भारत में कंट्रीब्यूशन 18% है, कृषि का उससे भी कम। तो जब तक सर्विस सेक्टर को आप नहीं सुधारेंगे, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यावरण है, मतलब पर्यटन है, उन कंजम्पशन लेड, आप सबसे बड़ी हम ज्यादा हम लोग के पास क्या है, जनसंख्या, तो इफ दे आर एबल टू कंज्यूम मोर, अगर आप ज्यादा दूध पिएंगे तो ज्यादा दूध पैदा करने की अपॉर्चुनिटी होगी, ज्यादा दूध बिकेगा, ज्यादा दूध, तो पूरा जो ये सिस्टम है वो कंजम्पशन और पूंजी और शिक्षा, इन तीनों चीजों को साथ में जोड़ने की बात है। हम लोग जो जनसुराज में मॉडल कर रहे हैं, और जो हमने 20 साल में अपना जो भी मेरा अनुभव है कि बिहार जैसे जगह को सुधारने के लिए, यहाँ कभी पर ऐसा नहीं होगा कि इंडस्ट्रियल हब बन जाए, इंडस्ट्रियल हब की जरूरत भी नहीं है, यहाँ पर जो फैक्ट्रियां हैं वो लगे, यहाँ छोटे उद्योगों की जरूरत है, लोगों के हाथ में पूंजी की जरूरत है, कंजम्पशन को बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने की जरूरत है, लैंड रिफॉर्म की जरूरत है, पानी की व्यवस्था ठीक करने की जरूरत है। एक फैक्ट्री लग जाएगा उससे 10,000 आदमी को नौकरी मिलेगा। यही चीज तो लालू और नीतीश में क्या, मलोरा में चीनी रेल फैक्ट्री, चक्का फैक्ट्री बना दी, उससे क्या होगा? अभी तो ज्यादातर बंद ही है। अरे भाई, अगर चलने भी लगे तो उससे क्या होगा? जब ये चीनी मिल चल भी रहा था तीसों, तब क्या बिहार देश का सबसे अग्रणी राज्य था? जब ये काम तो मिला था ना, थोड़ा वाली बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, एक एक जिले में 10-10 मिल थे। हम थोड़ी वाली बात नहीं कर रहे हैं, हम आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं। हम ये थोड़ा मोड़ा प्रयास नहीं, ना राजनीतिक, ना मैं यहाँ पर आरक्षण की बात कर रहा हूँ, लेकिन आरक्षण की बात शिक्षा में कर रहा हूँ, आरक्षण की बात भूमि में कर रहा हूँ, आरक्षण की बात पूंजी में कर रहा हूँ। सिर्फ नौकरियों में आरक्षण से समाज नहीं बदल, आरक्षण पे आएंगे, राजनीति पे भी आएंगे। आप पार्टी गठन की प्रक्रिया में लगभग पहुंच चुके हैं, अक्टूबर में हो जाएगा लगभग। हम तो 2 साल से लगे हुए हैं, लोग अब बनाने जा रहे हैं, फॉर्मली हो जाएगा, एक राष्ट्रीय स्तर पे हम देखेंगे इसको, क्षेत्रीय स्तर पर देखेंगे। मेरा फोकस बिहार है। मैंने अपने जीवन का 10 साल निकाला है इस चीज के लिए, मुझे बिहार में सुधार लाना है। मैं अपना जीवन 10 साल में जीता। मैंने जब पढ़ाई खत्म की, मैं 10 साल संयुक्त राष्ट्र संघ में था, बहुत अच्छे जगह पे था, उसको छोड़ दिया। फिर मैंने जो काम किया 10 साल, 2011 से लेकर 2021 तक, उसको आप लोग चुनाव प्रबंधन रणनीतिकार वगैरह कहते हैं, उस काम को मैंने 10 साल किया। वो काम मुझे किसी ने हराया नहीं, मैंने जब उसके पीक पर था छोड़ दिया। अब 10 साल मैंने अपने लिए तय किया है कि मुझे बिहार में वो व्यवस्था खड़ी करनी है जिससे बिहार में आमूल चूल परिवर्तन आए, इंक्रीमेंटल चेंज नहीं। हम इंक्रीमेंटल चेंज और 2 फैक्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं, हम बिहार में आमूल चूल परिवर्तन की बात कर रहे हैं, जिसको भाषणों में लोगों के समझ में आने वाली बात कर रहे हैं कि 10 वर्ष के अंदर वो स्थिति पैदा हो कि गुजरात से, महाराष्ट्र से, पंजाब से लोग बिहार में रोजी रोजगार करने आए, वो मॉडल की बात। आप लगातार इस बात को कहते रहे कि आप ग्रामीण स्तर पर काम करते रहेंगे, लेकिन कोई पद पार्टी में कोई पोस्ट आप होल्ड नहीं करेंगे, इसकी क्या? बिल्कुल नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है। मेरा काम है समाज को जगाना, समाज से राजनीति सुधर सकता है, राजनीति से समाज सुधर जाए ये जरूरी नहीं है। समाज जब तक लोग नहीं समझेंगे तो गलत लोगों का चुनाव करते रहेंगे, लोग सही लोगों का चुनाव करें, ये मेरा काम है, मैं उनको लोगों को जाके बता रहा हूँ। पार्टी जब बन जाएगी उसके बाद भी मैं पदयात्रा ही करता रहूंगा, 2 अक्टूबर के बाद भी,
ऐसा नहीं कि दो को पार्टी बन जाएगी तो हम एक दिन आएंगे, लेकिन उसके बाद भी हम पैदल जो चल रहे हैं आगे चलते ही रहे। अच्छे लोग जुड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं कि अच्छे लोग नहीं, जो दूसरे पार्टी से निकाले गए लोग हैं या छोड़े हुए लोग हैं वो आपके साथ जुड़ रहे हैं। किसी तरह के लोग, किसी के माथे पे ये तो लिखा नहीं कौन अच्छा है कौन खराब है। हमारा काम यह है कि वो प्रक्रिया हम ऐसी बनाएं जिसमें ज्यादातर अच्छे लोग आए। जो दूसरे पार्टियों से लोग आ रहे हैं वो कब आ रहे हैं? वो तो राजनीतिक लोग हैं। वो तब आ रहे हैं जब उनको नीचे से व्यवस्था बनती बड़ी दिख रही है। वो तो हवा वाले लोग हैं, स्वाभाविक तौर पर वो आएंगे। अब हम उनको क्यों रोकें? तो आ रहे हैं, आए, लेकिन वो आ इसलिए रहे, वो तो 2 साल पहले नहीं आए, आज क्यों आ रहे हैं? प्रशांत किशोर तो 2 साल पहले भी थे, बात तो मैं 2 साल पहले भी यही कह रहा था। वो आ इसलिए रहे कि समाज का एक बड़ा तबका जो कि नामचीन नहीं है, जो फेसलेस है, नेमलेस है आपकी नजर में, वो बहुत बड़ी संख्या में नीचे जुड़ता जा रहा है। तो ये लोग घबराहट में आकर जुड़ रहे हैं, और जैसे जैसे लोग आगे बढ़ेंगे ये ताकत बढ़ेगी, वैसे वैसे आपको दिखेगा कि और सो कॉल बड़े नामचीन चेहरे आए। लेकिन वो नामचीन चेहरे ड्राइविंग सीट पर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ड्राइविंग सीट पर तो वो नेमलेस फेसलेस लोग हैं जो कि इसको बनाने में पिछले 2 साल से कंधा लगा रहे हैं, जिसको किसी ने नोटिस नहीं किया। जनसुराज एक जाति विहीन समाज की कल्पना कर रहा है, जाति विहीन राजनीति की कल्पना कर। मैं जाति विहीन समाज की कल्पना नहीं कर रहा हूँ, मैं जातियों के साथ सामंजस्यता के साथ जातियां एक दूसरे के हाथ पकड़कर आगे कैसे बढ़ सकती हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। क्या प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रायोरिटी बिल्कुल साफ है कि जिस समाज की जितनी संख्या है उसको उसको भागीदारी मिले, सिर्फ विधायक के टिकट में नहीं, दल के बनाने में, दल के नीति निर्धारण में, दल के पदाधिकारी में, दल के नेतृत्व में और टिकटों में। लेकिन जो मूल बात है, जो हम लोग की सोच है कि हर समाज में काबिल व्यक्ति है, कोई ऐसा समाज नहीं है जिसमें काबिल अच्छे लोग नहीं है, और हर काबिल व्यक्ति किसी न किसी समाज का है। भाई आप बहुत बड़े काबिल हैं, किसी समाज के होंगे, कोई यादव हो सकता है, कोई कुशवाहा हो सकता है, कोई पिछड़ा हो सकता है, कोई दलित हो सकता है, कोई ब्राह्मण हो सकता है। हम लोग काबिलियत के आधार पर चुन रहे हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रख रहे हैं कि जिस समाज की जितनी संख्या है उस समाज से उतने काबिल लोगों को जरूर निकालें। ये वही नारा कहता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी, बिल्कुल उसका उलट है। तो उसका उलट है, हम ये कह रहे हैं कि आपकी जितनी संख्या है उस समाज के सबसे काबिल उसके उतने काबिल लोगों को अवसर है, ताकि उनकी जिम्मेवारी हो कि अपने समाज को सुधारो। देश में जैसे ओबीसी का भी एक फेज रहा, ओबीसी का फेज चल रहा है, एससी एसटी। अरे भैया ये क्या है, ये फेज आप लोग बनाते हैं अपने, उस पर जब बन जाता है फेज तो आप उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। पूरे देश में जिसको भी लगता है कि भाई जाति होने से ही आदमी जीतता है, मैं बिहार और बिहार के अलावा भी सारे राज्यों का दावा आपको ठोक कर कह रहा हूँ कि किसी राज्य में वो आदमी उस राज्य का मुखिया नहीं है जिसकी जाति की संख्या सबसे ज्यादा है। बंगाल में, उड़ीसा में, झारखंड में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, मध्य, जितने लोग मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, दक्षिण के भी राज्यों को जोड़ लीजिए, वो सबसे ज्यादा संख्या वाले जातियों के लोग नहीं है। नीतीश कुमार की अपनी जाति कितनी है? 2.5% तो कैसे 20 साल से मुख्यमंत्री? आप कहिएगा उन्होंने पिछड़ों का जमात बनाया है। तो अगर नीतीश कुमार 25-50% लोगों को जोड़ सकते हैं तो किसी दूसरे जाति का आदमी भी वो कर सकता है।